بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قابل صد احترام سامعین حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو رات دا کافی حصہ گزر چکے ہے اور حضرت مولانا منصور احمد صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آ چکے نے انشاءاللہ انہاں دا بھی بیان ہوئے گا میں مختصر وقت دے اندر تواڈے سامنے اپنے موضوع دے مطابق چند معروضات اور گزارشات پیش کرنا چاہنا میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو میرے رب نے اس دنیا تے مبعوث فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو رب نے دنیا چ مبعوث فرمان دا مقصد بھی قرآن وچ بیان فرما دیتا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا تے آئے تے کیوں آئے کی مقاصد سن کی پروگرام لے کے میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا تے آئے رب نے آپ نو مبعوث کیتا کس واسطے کیتا آج اے ہی میں تواڈی خدمت وچ بیان کرنا ہے اللہ دے قرآن وچوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سچے فرمان وچوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے آئے کیا مقاصد سن کیا اغراض سن دنیا تے آپ نو بھیجن دے آؤ اللہ دا قرآن سنو تے پتا کریے کہ نبی علیہ السلام دنیا تے کیوں آئے دوسری بات یہ ہے کہ جے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تے دنیا تے آن دے مقاصد اغراض جو آپ لے کے دنیا تے آئے اج وہ مقاصد اور اغراض پورے ہو رہنے تے پھر تے اسی امتی ہون دا حق ادا کر رہے ہیں اور اگر جیڑے مقاصد اور اغراض میرے پیغمبر علیہ السلام لے کے آئے اگر وہ اج پورے نہیں ہو رہے تے پھر مینو توانو امتی کہلوان دا کوئی حق نہیں اللہ سانو سارے انو صحیح مانے اچ نبی علیہ السلام دا امتی بنن دی توفیق عطا فرمائے وہ کیڑے مقاصد نے جیڑے آپ علیہ السلام لے کے آئے سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں اللہ دے حکم نال رب دے گھر نو تعمیر کیتا تے جدوں بیت اللہ دی تعمیر پایہ تکمیل نو پہنچی
इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम ने अर्श वाले रब को दुआवां कीतियां। दुआवां केड़ियां ने? आओ जरा सुनो, रब दा कुरान ऐलान करता है। एक दुआ ते जिदो बैतुल्ला तमीर होया ना, ते दुआ ये करते ने, फरमांदे ने वा इज यरफाउ इब्राहिमुल कवाइद मिनल बैत व इस्माइल रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमत लक वारिना मनासिकना वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मता वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब को दुआवां करते ने, पहली दुआ की थी जो बैतुल्ला दीयां दीवारां बुलंद हो गई, फरमांदे ने रब्बना तकबल मिन्ना अरशां वालियां साडियां दुआवां नूं कबूल फरमा ले, अल्लाह साडियां मेहनतां कबूल फरमा ले, अल्लाह जिहड़ियां असां कोशिशां कीतियां तेरा घर बनाया अल्लाह इहनूं कबूल फरमा ले। ते नाल ही दुआ की करते ने, फरमांदे ने रब्बना वजअल वरब्बना वजअल मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमतन लक अर्शां वालिया सानू तुआ प्यो पुत्रा नू भी अपना फर्मा बरदार बना दे, अल्लाह साडी औलाद विचों भी एक उम्मत ऐसी बना दे जेड़ी तेरी फर्मा बरदार होए। एक होर दुआ करते ने इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम, आंदे ने रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ए बैतुल्ला तेरा तमीर हो गया है, रब्बा तेरा घर बन गया है, असी अल्लाह तेरे को दुआ करने आ। अल्लाह इन्ना लोगों के अंदर ऐ जेड़े लोग बैतुल्ला दे इर्द गिर्द रहिंदे ने, अल्लाह इन्ना लोगों के अंदर इन्हां दे विचों ही एक रसूल मबूस फरमा दे, इन्हां दे विचों ही एक रसूल अल्लाह इन्हां दे अंदर भेज दे। और रसूल की करे आके, ओदा काम की होना चाहिए, ओदे दुनिया ते आउण दा मकसद की होना चाहिए। फरमाया यतलू अलैहिम आयातिका, अल्लाह ऐसा रसूल भेज इन्हां दे अंदर, अल्लाह ऐसा पैगंबर इन्हां दे अंदर भेज, यतलू अलैहिम आयातिका अर्शां वालिया तेरिया आयतां तलावत करे, अल्लाह तेरा कुरान पढ़ पढ़ के उन्हां नूं सुनाए, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा अल्लाह इन्हां नूं किताब अल्लाह दी तालीम देवे, अल्लाह इन्हां नूं अपनियां हदीसां सिखाए, अल्लाह इन्हां नूं कुरान सिखाए, और अल्लाह इन्हां नूं हिकमत दियां बातां सिखाए। हिकमत तो मुराद मुफस्सरीन ने लिखिया मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा फरमान है, अल्लाह दो चीजा इन्हां नूं सिखाण वास्ते अपना नबी भेज दे, अल्लाह दो चीजा दी तालीम देण वास्ते अपना रसूल भेज दे। केड़ियां केड़ियां दो चीजा? अल किताब वल हिकमा, अल्लाह एक तेरा कुरान इन्हां नूं सिखाए, अल्लाह तेरी किताब पढ़ पढ़ के इन्हां नूं सुनाए, वल हिकमा ते या अल्लाह इन्हां नूं अपनी
हदीसा भी सुनाए वायु सकीम ते इन्हों कुरान सुना सुना के इन्हों हदीसा सुना सुना के इन्हों दिलों कुफर तो पाक कर दे इन्हों दिलों शिरक तो पाक कर दे इन्हों दिलों फिस्को फजूर तो पाक कर दे इन्हों दिलों बिदात तो पाक कर दे इन्हों दिलों गलत रस्मां ते रवाजा तो पाक कर दे वायु सकीम इन्हों दे नफ्स नूं पाक कर दे इन्हों दे दिलों नूं पाक कर दे तेरा कुरान पढ़ पढ़ के ते अपनियां हदीसां सुना सुना के अल्लाह इन्हों दे नफ्स नूं पाक कर दे इन्हों दे दिलों नूं पाक कर दे ऐसा नबी और ऐसा रसूल अल्लाह इन्हों दे अंदर भेज दे इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। जेड़ियां दुआवां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेरे रब कोलों कीतियां ने जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मंगी है मेरे रब ने वो बिल्कुल उसी अंदाज में अपने पैगंबर नूं दुनिया के अंदर मबूस फरमा के अता फरमा दिता है। आखोगे इन्हां दुआवां दा मिस्ताक कौन बने है? इन्हां दुआवां दा मिस्ताक बने ने ते मेरे ते तुहाडे पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां दुआवां दा मिस्ताक बने ने। आखोगे कित्थे लिखे है? कुरान विच लिखे है। रब फरमांदे ने आवाज आंदी है लकद मन अल्लाह अलल मुमिनीन। कुरान सुनिया जे तवज्जो फरमाना लकद मन अल्लाह अलल मुमिनीन इज बासा फीहिम रसूल मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन कब्लु लफी ज़लाल मुबीन। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम दिया दुआवां कबूल फरमा लिया ने। फरमाया लकद मन अल्लाहु अलल मुमिनीन अल्लाह ने ईमान वालियां दे ऊपर एहसान फरमाया। अल्लाह की इन्हां ते एहसान कीता ही एहसान ते मेरे रब दे बड़े सारे ने ना इतने को एहसान ने रब ने कुरान च आखिया व इन तउद्दू नेमत अल्लाही ला तुहसूहा अगर रब दे एहसानां नूं शुमार करना चाहोगे अल्लाह दियां नेमतां नूं गिनना चाहोगे तुसीं अल्लाह दियां नेमतां नूं गिन नहीं सकदे। इन्नियां को नेमतां मेरे रब ने इंसानां ते फरमा दित्तियां ने पर सारियां नेमतां एक पासे सारे एहसान एक पासे ऐसे एहसान नूं अगर एक पासे रखिया जाए सारियां नेमतां मिलके इस नेमत दा मुकाबला नहीं जे कर सकदियां इस एहसान दा मुकाबला नहीं जे कर सकदियां। केड़ी नेमत केड़ा एहसान जेड़ा अल्लाह ने ईमान वालियां ते फरमा दित्ता है साडे ते अल्लाह ने एहसान फरमा दित्ता है। की फरमाया? फरमाया लकद मन अल्लाह अलल मुमिनीन इज बासा फीहिम रसूल मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ने ईमान वालियां ते एहसान फरमा दित्ता है जितो उन्हां दे अंदर उन्हां दे विचों ही एक रसूल रब ने मबूस फरमा दित्ता है। एक ते इथों गल ए समझ आई जेड़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ने इंसानां दे विचों ही आए ने रसूल मिन अनफुसिहिम इंसानां विचों ही रसूल बन के आए ने ए इंसानां विचों ही नबी बन के आए ने इंसानां विचों ही अल्लाह दे पैगंबर बन के आए ने। फरमाया अल्लाह इस एहसान नूं तू साडे उत्ते कीते अल्लाह तू अपना नबी इन्हां दे अंदर भेज दित्ता है रबौस नबी दे आउण दा मकसद की है गरज की है अल्लाह केड़ा मिशन दे के तू नबी नूं दुनिया दे अंदर मबूस फरमाया। फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही एही दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कीती सी। फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मेरे पैगंबर दे दुनिया दे आउण दा मकसद ए वे
लोगों अल्लाह दियां आयतां पढ़ पढ़ के सुनाए, लोगों रब का कुरान पढ़ पढ़ के सुनाए, लोगों के दिलों को कुफर ते शिरक तो पाक करे, लोगों के दिलों को हर किस्म दियां गलासतां ते गंदगियां तो पाक करे, लोगों के दिलों को हर किस्म दियां पलीदगियां तो पाक करे, लोगों के दिलों को हर किस्म दियां नजासतां तो पाक करे। इस मकसद वास्ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम आए ने ते लेके की आए ने वायु अल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मेरे पैगंबर रब दा कुरान सिखान वास्ते आए ने, मेरे पैगंबर अपनी हदीस सिखान वास्ते आए ने, मेरे पैगंबर अल्लाह दा कुरान समझान वास्ते आए ने, मेरे पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम अपनी हदीस सिखान वास्ते आए ने। इसे वास्ते एने हदीस दा ऐलान है दुनिया जहान दे लोगों, मेरे पैगंबर दो चीजा लेके आए ने, एक रब दा कुरान लेके आए ने, एक अपनी हदीस लेके आए ने। मेरे पैगंबर दो चीजा सिखा के गए ने, एक अल्लाह दा कुरान सिखा के गए ने, एक अपनी हदीस सिखा के गए ने। और इसके वास्ते एने हदीस से ना दुआ चीजा पे कायम ने और इंशाल्लाह कियामत तक कायम रहेंगे, इन्ना दुआ चीजा पे कायम रहेंगे। एक रब दा कुरान असी पढ़ते रहेंगे, एक नबी अली सलाम दा फरमान पढ़ते रहेंगे, एक हाथ में अल्लाह दा कुरान पकड़ांगे, एक हाथ में नबी अली सलाम दा फरमान पकड़ांगे, और इंशाअल्लाह इस कुरान और सुन्नत की बरकत नाल कल कियामत वाले दिन नबी पाक दे नाल रब दी जन्नत में दाखिल हो जावांगे। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे दुनिया ते आउण दा मकसद है वे युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। एक रब दा कुरान सिखाना, एक अपनी हदीस सिखाना, एक अल्लाह दा कुरान पढ़ाना, एक अपनी हदीस समझाना। और मेरे रब ने इसे बात दा तज़किरा कुरान दे को और मुकाम ते भी फरमाया। आओ कुरान दा दूसरा पारा सुन लो। मौला फरमांदे ने कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिन अनफुसकुम यतलू अलैकुम आयातना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातना। अल्लाह फरमांदे ने असा तुहाडे अंदर एक रसूल भेजिया जिहड़ा तुहाडे विचों ही रसूल बन के आया, बाहरों नहीं आया, किसी होर मखलूक विचों नहीं आया, तुहाडे इंसानां विचों ही रसूल बन के आया। अल्लाह ओ कादे वास्ते रसूल आया, ओदे आउण दे मकसद की ने? फरमाया यतलू अलै कुफर तो पाक कर दे, शिरक तो पाक कर दे, फिस्को फुजूर तो पाक कर दे, हर किस्म दियां गलासतां ते नजासतां तो पाक कर दे। वायु सकीकुम वायु अल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। मेरा पैगंबर इस वास्ते आए ने तुहानू अल्लाह दी किताब सिखाण वास्ते आए ने, तुहानू अपनी हदीस सिखाण वास्ते आए ने। वायु अल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमू। कुरान दा एक मुकाम होर सुनो, 28 पारा रब दे कुरान दा सूरत दा नाम सूरह जुमे। अल्लाह फरमांदे ने हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीशीन रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन कबलु लफी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह
जिन्हें भेजी है इन लोगों के अंदर इन्हों विचों एक रसूल यतलू अलैहिम आयाती और रसूल की करने वास्ते आए ने यतलू अलैहिम आयाती इन्हों के सामने अल्लाह दियां आयतां तलावत करने वास्ते आए ने वायु सकीम इन्हों पाक करने वास्ते आए ने वायु अल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा इन्हों अल्लाह दा कुरान सिखाने वास्ते आए ने इन्हों अपनी हदीसा सिखाने वास्ते आए ने वइन कानू मिन कबलो लफी सलालिम मबीन कुरान सुने आजे ना जिते अंदर रब बार बार दस रहे ने और लोगो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे आउन दा मकसद ए है कि लोगों नू कुरान पढ़ाया जाए लोगों नू दीन दी तालीम दी जाए लोगों नू हदीस पढ़ाई जाए लोगों दे दिलां नू कुरान सुना सुना के कुफर तो पाक किया जाए शिरक तो पाक किया जाए फिसक तो पाक किया जाए फजूर तो पाक किया जाए बिदात तो पाक किया जाए अल्लाह दियां नाफरमानियां तो पाक किया जाए ए मकसद ने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे दुनिया ते आउन दे ते मेरे पैगंबर दुनिया ते आए ने और यही मकसद पूरा करके गए ने आप अलैहिस्सलाम दुनिया तो जा रहे ने और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमा रहे ने ओ दुनिया जहान दे लोगो तरक तो फीकुम अमरैल लन तज़िल्लु मा तमसक तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने ओ दुनिया दे लोगो मैं तुहाडे वल दो चीजा छड़ के जा रहा मैं तुहानू दो चीजा दुनिया ते दे के जा रहा अल्लाह दे नबी केड़िया केड़िया दो चीजा और कादे वास्ते फरमाया मा तमसक तुम बिहिमा जितो तक तुसी इन्हां दोवां नू थामे रखोगे लम तज़िल्लू तुसी गुमराह नहीं होवोगे तुसी रस्ते तो नहीं भटकोगे तुसी गलत रास्ते ते नहीं चलोगे तुसी सीधी राह ते चलोगे जितो तक इन्हां दोवां चीजा नू थामे रखोगे अल्लाह दे नबी केड़िया दो चीजा तुसी सानू दे के जा रहे हो फरमाया किताबुल्लाह व सुन्नती किताबुल्लाह व सुन्नती एक अल्लाह दा कुरान दे के जा रहे हैं दूजी अपनी हदीस ते सुन्नत दे के जा रहे हैं मेरे रब ने अपने पैगंबर नू इयो ही चीजा दे के भेजी है मेरे पैगंबर ने दुनिया दे आके यही चीजा सुनाईया ने और दुनिया तो जा रहे ने उम्मत नू यही दो चीजा दे के जा रहे ने हजरात पता है चले या मेरे पैगंबर दे दुनिया ते आन दा मकसद है लोगों नू कुरान समझाया जाए लोगों नू हदीस समझाई जाए लोगों नू कुरान पढ़ाया जाए लोगों नू नबी अली सलाम दा फरमान पढ़ाया जाए और जे ते अज असी किताबो सुन्नत दी तालीम अगे राइज कर रहे हैं किताबो सुन्नत ते अमल पैरा हो रहे हैं जे ते असी कुरानो सुन्नत दे मसाइल लोगों नू दस रहे हैं जे ते उन्हां दे दिलां नू कुरान सुना सुना के कुफर तो पाक कर रहे हैं शिरक तो पाक कर रहे हैं फिस्को फजूर तो पाक कर रहे हैं दुनिया दियां गलासतां तो पाक कर रहे हैं अल्लाह रस्ते रसूल दियां नाफरमानियां तो पाक कर रहे हैं तज़किया नफ्स कुरान सुना सुना के हदीस सुना सुना के अगर असी अपना ते एक दूसरे का कर रहे हैं ते फिर ते असी नबी अली सलाम दे दुनिया ते आउन दा मकसद असी पूरा कर रहे हैं ते जे कुरान तो भी असी दूर हाँ जे नबी पाक दी हदीस तो भी असी दूर हाँ जे अल्लाह दे कुरान नू असी मनदे नहीं जे नबी पाक दी सुन्नत नू तस्लीम करदे नहीं जे अमी दा मौका होए कुरान और सुन्नत नू पसे पुछ डाल देने हैं शादी दा मौका होए कुरान और सुन्नत नू पसे पुछ डाल देने हैं कारोबार करना होए किताब और सुन्नत नू पसे पुछ डाल देने हैं अगर असां लेन देन करना होए किताब और सुन्नत नू पसे पुछ डाल देने हैं अगर असां दुनिया दे को काम करने हो किताब और सुन्नत नू असी पसे पुछ डाल देने हैं ना रब दा कुरान पढ़ने हैं ना
नबी पाक दा फरमान पढ़ने आ, ना अल्लाह दा कुरान वेने आ, नबी पाक दी हदीस वेने आ, फिर साडा नबी पाक अलैहि सलाम दे दुनिया ते आउण दे मकसद नाल कोई ताल्लुक नहीं जे, असी हदायत ते भी नहीं जे बल्कि गुमराह हो चुके आ। अगर असी रब दा कुरान नहीं पढ़ते, अगर नबी पाक दी हदीस नहीं पढ़ते, फिर नबी पाक नाल मुहब्बत दे दावे फजूल ने। असी नबी पाक नाल मुहब्बत भी नहीं करते, प्यार भी नहीं करते, क्योंकि असा नबी पाक दा लियांदा होया मकसद ही पूरा नहीं कीता। क्यों जी, आज जो कुछ अजकल असी कर रहे हैं सारा कुरान के मुताबिक कर रहे हैं। जो कुछ इस वक्त मुसलमान कर रहे हैं, क्या है सारा कुछ हदीस मुस्तफा के मुताबिक हो रहा है? क्या नबी पाक के मकासद ऐसा समझे ने कि आप क्यों आए, की मकसद सी मेरे नबी दा दुनिया ते आउंदा? खाली ये कह देना मैं सदके जावा या रसूल अल्लाह, मैं वारी जावा या रसूल अल्लाह, मैं कुर्बान जावा या रसूल अल्लाह, हुरमत रसूल पर जान भी कुर्बान है, ते मैं अल्लाह दे नबी तन मन धन कुर्बान कर देवा या रसूल अल्लाह, ते जितों गल आए मेरे नबी दी हदीस नु मनन दी, जितों बात आए मेरे नबी दी सुन्नत नु मनन दी, जितों गल आए मेरे नबी दे तरीके नु मनन दी, जितों बात आए मेरे नबी दे दुनिया के आन के मकासद को सामने रखन दी, फिर असी आने अल्लाह दे नबी जी तुहाडी हदीस सच्ची है, पर की करिए बरादरी भी तो रखनी पैंदी है। ए जी कुरान जी तुहाडी भी गल सच्ची है, पर की करिए खानदान भी रखना पैंदा है। ए जनाब किताबो सुन्नत की गल सही है, पर की करिए सानू फिर मुआशरा भी रखना पैंदा है। और जे तू मुआशरा ही रखना है, जे तू बरादरी ही रखनी है, जे तू खानदान ही रखना, तेनु की हक पहुंचदा मेरे नबी नाल मुहब्बत दे दावे करन दा? मेरे पैगंबर दी मुहब्बत दा तकादा है नहीं जो आज मैं और तुसी कर रहे हैं। आप दी मुहब्बत दे तकादे कुछ होर ने, दसा की तकादे ने? तवज्जो है जे, तवज्जो है जे, लगदी ते नहीं लगता तो तुहानू सब सुन गया। तवज्जो फरमाना जरा, आज़रा सुनो, मैं दसना चाहना मेरे पैगंबर की मुहब्बत का तकादा की है। अज सानू सारिया नू मुहब्बत का दावा तो है ना, चंडियां लान वाला भी आंदा मैनू नबी पाक नाल मुहब्बत है, गड्डियां ट्रालियां ते चढ़िया भी आंदा मैनू नबी पाक नाल मुहब्बत है, बाजार बंद करन वाला भी आंदा मैनू नबी पाक नाल मुहब्बत है, लोकां ते राज टक्कन वाला भी आंदा मैनू नबी पाक नाल मुहब्बत है, जेड़े मिलाद नहीं मनांदे उन्हां ते कुफर दे फतवे लान वाला भी आंदा मैनू नबी पाक नाल मुहब्बत है, भरा दा हक मारन वाला भी आंदा मैनू नबी पाक नाल मुहब्बत है, भैणां दे हक खान वाला भी आंदा मैनू नबी पाक नाल मुहब्बत है, नमाज ना पढ़न वाला भी आंदा मैनू नबी पाक नाल मुहब्बत है, मस्जिद विच वड़न ना मस्जिद विच ना आउण वाला भी आंदा मैनू नबी पाक नाल मुहब्बत है, दाड़ियां मुनान वाला भी आंदा मैनू नबी पाक नाल मुहब्बत है, मेरे नबी दी सुन्नत दी मुखालफत करन वाला भी आंदा मैनू नबी पाक नाल मुहब्बत है। ओए आ, मैं तेनू दसा नबी पाक अलैहिस्सलाम नाल मुहब्बत दे तकादे की ने, मेरे पैगंबर नाल मुहब्बत करन दा उसूल की है, कानून की है। और ये उसूल ते कानून किसे मुफ्ती ने नहीं वजा कीता, किसे शेखुल हदीस नहीं बयान कीता, किसे अल्लामा ने उसूल नहीं दिता, किसे फहामा ने, किसे जनाब प्रोफेसर ने, लेक्चरर ने, किसे डॉक्टर ने ये उसूल वजा नहीं कीता। ये उसूल वजा कीता थे अर्श वाले रब ने वजा कीता। किया किया मेरे रब ने? सुनो, रब दा कुरान ऐलान कर रहे हैं, अल्लाह फरमांदे ने कुल इन कान आबाउकुम व
وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترزونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله فرماندنے ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو اعلان کر کے دس دیو او دنیا جہان دیو لوگو ان کان آباؤکم و ابناؤکم اگر تواڈے باپ دادا اگر تواڈیاں اولاداں و اخوانکم اگر تواڈے بہناں تے بھائی و ازواجکم اے بندیو تواڈیاں بیویاں تے اے بیویو تواڈے خاوند و اموال نک طرف تموہا او مال جنو تسی جمع کر کر کے رکھ دے ہو و تجارتن تک شونا کسادا او تجارتن جتے نقصان کولو ڈر دے ہو و مساکنو ترزونا او کوٹیاں تے بنگلے جننو تسی بڑا پسند فرمان دے ہو اگر اے ساریاں چیزاں اے دنیا دا مال اے کوٹیاں بنگلے اے تواڈیاں اولاداں تواڈے پہنا پائی تواڈے ماں باپ تواڈے باپ دادا تواڈے خاندان تواڈے کنبے قبیلے تواڈیاں برادریاں تواڈے دوست و یار تواڈے دنیا دے مالو متا اگر اے سارا کچھ ایک پاسے ہوئے ایک پاسے اللہ دی ذات ہوئے اللہ دے نبی دی ذات ہوئے اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرم دا معاملہ ہوئے فرمایا اگر تانوں انہاں چیزاں دے نال احب الیکم من اللہ و رسولہ اگر تانوں اللہ نال اینا چیزاں نالوں زیادہ محبت نہیں اگر تانوں رسول اللہ نال اینا چیزاں نالوں زیادہ محبت نہیں اگر تانوں جہاد فی سبیل اللہ نال اینا چیزاں نالوں زیادہ محبت نہیں اگر تانوں اللہ دی نسبت اے چیزاں زیادہ پیاریاں نے اگر رسول اللہ دی نسبت اے چیزاں تانوں زیادہ محبوب نے اگر جہاد فی سبیل اللہ دی نسبت اے چیزاں تانوں زیادہ محبوب نے فتربصوا حتا یاتی اللہ بھی امرہ پھر انتظار کرو کہ اللہ دا عذاب کدوں کو نازل ہوندا ہے رب دے قرآن نے دسیا اے وے میرے پیغمبر دی محبت دا تقاضا اے وے ایک پاسے سارا جہان ہوئے ایک پاسے آمینہ دا لال ہوئے سارا جہان ٹھکرا دے پر میرے نبی دی محبت میں جو فرق آونا نہیں چاہی دا کیوں جی اسی این جی نبی پاک نال محبت کرنے ہیں جی میں قرآن نے اصول بیان کیتا ہے کیا سانو اپنی برادری نالو نبی پاک زیادہ محبوب نے کیا سانو اپنے رشتے داراں نالو عزیز و اقارب نالو دنیا دے مالو متاع نالو اے اپنے کاروباراں نالو فیکٹریاں نالو اپنی کوٹیاں بنگلیاں نالو سانو اللہ دے نبی نال زیادہ محبت ہے اگر تو دعویٰ کرے کہ مینوں اللہ دے رسول نال سارے جہان تو ود کے محبت ہے پھر میں ایک سوال کراں گا دس میرے نبی دی خاطر اج تک کنیاں کو رسماں چھڈیاں نہیں دس میرے نبی دی خاطر اج تک کنے کو رواج غلط چھڈے نہیں دس میرے نبی دی خاطر اج تک کنے کو شرابیاں تو نفرت دا اظہار کیتا ہی دس میرے نبی دی خاطر اج تک کنے قادیانیاں نال ناطا توڑیا ہی دس میرے نبی دی خاطر اج تک کنے کافراں نال تو جناب تعلق توڑیا ہے دس میرے نبی دی خاطر اج تک تو کنے حرام کاروبار چھڈے نے دس میرے نبی دی خاطر اج تک تو
किन्ने नजायज मसले छड़े में दस मेरे नबी दी खातिर आज तक तू केड़ी शै छड़ी है जबकि मैं तेनू साबत करके दस सकना तो दुनिया के रस्मा रवाजा की खातर मेरे नबी दियां कई सुनता छड़ चुके है। अपनी बरादरी की खातिर नबी पाक दिया कई हदीसां छड़ चुके हैं, तू दुनिया के मामलात की खातिर कुरान दिया कई आयतों का अमल तर्क कर चुके हैं। और मैं किवें मान लवा तेनू अल्लाह और उसके रसूल नाल दुनिया नालों ज्यादा मुहब्बत है, अल्लाह तेरी इस मुहब्बत नू किवें तस्लीम करेगा। अज असी दावा रखने सानू नबी पाक नाल बड़ा प्यार है, सानू नबी पाक नाल बड़ी मोहब्बत है, जबकि असी दुनिया वालियां दियां गल्लां दी वजह तो आज तक अपने चेहरे ते दाढ़ी सजा बोलो नहीं सके, असी शादी ब्याह के अंदर ढोल टमका छड नहीं सके, बरादरी की आखेगी असी मर्गां दे कुल साते चालिए दसवें तीजे और दूजे दिन दुआए खैर करवान वालियां बिदतां नहीं छड सके, बरादरी की आखे भी दावा साडा एवे सानू नबी पाक नाल बड़ी मोहब्बत है, नारा साडा एवे हुरमत रसूल पर चाल भी कुर्बान है। तू अपनी तमन्ना ते कुर्बान नहीं कर सकया, आरज़ू ते कुर्बान नहीं कर सकया, ख्वाहिश अपनी कुर्बान नहीं कर सकया, और दुनिया तू एदे ते कुर्बान नहीं कर सकया, तू अपनी जान किस तरह कुर्बान करेगा। जबकि मेरे रब ने तकादा यही कीता कि जे मेरे नबी पीछे जान भी देनी पवे ते जान भी कुर्बान कर दियो। आखोगे किथे तकादा कीता? कुरान च 12:21 सूरतुल अहज़ाब च मौला फरमांदे ने अन्नबियु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसहिम, अन्नबियु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसहिम। अल्लाह फरमांदे ने ओ दुनिया जान दियो लोगो जेड़े ईमान वाले होया करते ने ईमान वालियां नू मेरे पैगंबर अली सलाम अपनिया जाना नालों भी ज्यादा अजीज होंदे ने, ईमान वालियां नू मेरे नबी नाल अपनिया जाना तो भी वध के मुहब्बत होंदी है, ईमान वालियां नू मेरे पैगंबर नाल अपनिया जाना तो वध के भी प्यार होंदा है। जान जांदी है ते जाए पर मेरे नबी दी अजमत विच आंच ना आए, जान जांदी है ते जाए पर मेरे पैगंबर दे फरमान ते अमल करन विच आंच ना आए, जान जांदी है ते जाए पर मेरे नबी दे एहतराम विच आंच ना आए, जान जांदी है ते जाए पर मेरे नबी दी शान विच आंच ना आए। सैयदना उमर इब्ने खताब रजी अल्लाह तआला अन्हो, अज लोग मेरे नबी दे सहाबा नू गल्लां करदे ने, मेरे नबी दे सहाबा ते तनकीद करते ने, मेरे नबी दे सहाबा दे उते अपनी जुबान दराज करते ने, मेरे नबी दे सहाबा दे अपने जनाब गलत किस्म दे ख्यालात दा इजहार करते ने, पर इनू बेवकूफ नू पता नहीं मेरे नबी दे सहाबा कौन ने। और नबी दे सहाबा ते ओ ने जिन्ना मेरे पैगंबर दी मोहब्बत दे अंदर अपने वतन कुर्बान कर दिते, मेरे नबी दी मोहब्बत दे अंदर अपने रिश्तेदार कुर्बान कर दिते, मेरे नबी दी मोहब्बत दे अंदर अपनी बरादरी कुर्बान कर दीती, मेरे नबी दी मोहब्बत दे अंदर अपना घर बार कुर्बान कर दिता, मेरे नबी दी मोहब्बत दे अंदर अपना खानदान कुर्बान कर दिता, मेरे नबी दे सहाबा ओ ने जिन्ना मेरे पैगंबर दी मोहब्बत दे अंदर अपनिया जाना कुर्बान कर दितियां, अपने जिस्म दे टुकड़े टुकड़े करवा ले पर नबी दी खत्मे नबूवत दे उते हरफ नहीं आन दिता, जिन्ना अपने पैगंबर दी खातिर अपने गर्दना कटवा लईयां पर मेरे पैगंबर दी शान दे उते आज आन नहीं दिती। आखोगे को दलील पेश कर, हजरत उमर दी मैं बात सुनान लगा, सैयदना उमर इब्ने खताब रजी अल्लाह तआला अनहो मेरे पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम दे नाल ने
है ते फरमांदे ने महबूब जी मेनू तुहाडे नाल बड़ी मुहब्बत है, मेनू तुहाडे नाल बड़ा प्यार है। आप फरमांदे ने उमर तेनू मेरे नाल किन्नी कु मुहब्बत है, तेनू मेरे नाल किन्ना कु प्यार है। फरमांदे ने सोनिया मेनू तुहाडे नाल सारी दुनिया तो वध के मुहब्बत है, मेनू तुहाडे नाल सारी दुनिया तो वध के प्यार है, पर सवाए इल्ला नफसी अल्लाह दे नबी अपनी जान तो वध के तुहाडे नाल मुहब्बत नहीं, अपनी जान तो वध के तुहाडे नाल प्यार नहीं, बाकी सारी दुनिया तो वध के मुहब्बत है पर अपनी जान तो वध के ज्यादा नहीं। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम को जवाब की देंदे ने, आप फरमांदे ने उमर अगर तेनू अपनी जान तो वध के भी मेरे नाल मुहब्बत नहीं ते फिर अपने ईमान की फिक्र कर, क्योंकि रब ने कुरान के अंदर ऐलान फरमा दिता है अन्नबियू औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, के मोमिनानू नबी अलैहिस्सलाम नाल उन्हां दीआं जानां तों वी ज्यादा मुहब्बत हुंदी है, मोमिनानू नबी अलैहिस्सलाम नाल अपनीआं जानां तों वी ज्यादा प्यार हुंदा है। ईमान दा तकादा रब ने यह दस्सिआ है कि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल अपनी जान तो वध के भी मुहब्बत करनी पवेगी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जितों कुरान दी ए आयत सुनी, मेरे पैगंबर दी जबान तो सुनी, ये नहीं आखिया अच्छा मैं अपने घर वालियां नाल मशवरा कर ला, बरादरी नूं पुछ ला, अपने पुत्रां नूं पुछ ला, अपनी बीवी नूं पुछ ला, मैनू तुहानू कोई सुन्नत की गल दसे ना, कोई हदीस सुनाए, कोई कुरान की आयत सुनाए। असीं आने अच्छा जी मशवरा करांगे, अच्छा जी अपने पुत्रां नाल सलाह करांगे, अच्छा जी मौलवी जी मैं बेगम नाल मशवरा करांगा, केड़ी गल दा मशवरा, कि मैं हदीस ते अमल करां के ना, मैं कुरान दी आयत ते अमल करां के ना, मैं नबी पाक दी सुन्नत मन्ना के ना, इस गल दा मैं मशवरा करांगा, पर मैं कुर्बान जावां नबी पाक दे सहाबा तो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को जवाब की देंदे ने, फरमांदे ने सोनिया अगर ये गल ते मेरा ऐलान हों तो ही सुन लो, अल्लाह दे नबी मैनू हों तो ही तुसी मैनू अपनी जान तो भी ज्यादा अजीज हो। सीरत गवाह है, तारीख गवाह है। फिर सहाबा ने अपनी जान तो वध के नबी पाक नाल मुहब्बत करके बखाई है, क्यों जी कीती है कि नहीं कीती। अगे खलो गए ने सारे तीर मेनू लगन नबी पाक तक तीर ना पहुंचे, अगे हाथ कर लिए तीर मेरे हाथ च पेवस्त हुंदे जान नबी पाक तक तीर ना पहुंचे, हाथ चलनी हो गए, बाजू चलनी हो गए, सीना चलनी हो गए, पर नबी पाक तक तीर पहुंचन देता नहीं देता। ये नहीं हो सहाबा जिन्ना मेरे पैगंबर नाल जान तो वध के मुहब्बत की थी, मेरे पैगंबर दे मकासद नूं उन्हां अपनाया। की मकसद है मेरे पैगंबर अली सलाम ते दुनिया ते आउंदा, यो अल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, अल्लाह दा कुरान सिखाना, नबी अली सलाम दा फरमान सिखाना, ये मकसद है। एक और मकसद मैं बयान करा, हदीस विच आउंदा है अहलम सहलम मरहबा माशाल्लाह, मौला मंजूर साहब तशरीफ लाए, मकसद की है। आओ एक हदीस सुनावा, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद आखो आखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, आप फरमांदे ने बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, ओ दुनिया जहान दे लोगो मैनू रब ने मबूस कीता है ताकि मैं अखलाक दियां तालीमात नूं मुकम्मल कर दियां, लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं लोगों के अखलाक सवारन वास्ते आया, मैनू रब ने मबूस कीता है मैं लोगों के अखलाक बनाने वास्ते आया, मैनू रब ने मबूस कीता है मैं लोगों नूं गलासतां तो पाक कर
करने वास्ते आया, मेनू रब ने मबूस किया है, मैं लोगों के अखलाक सवार वास्ते आया, और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने किवें करके लोगों के अखलाक सवार ने, आओ जरा सुनना मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की फरमा गए ने। आप फरमाते ने ए कायनात दे लोगो, तुहाडे विचों बेहतरीन होवे जिहदा अखलाक सब तो ज्यादा अच्छा है, तुहाडे विचों अकमलुल मोमिनीन ईमान आसनहुम अखलाकन, तुहाडे विचों कामिल ईमान वाला वह बंदा है जिहदा अखलाक अच्छा है, तुहाडे विचों कामिल ईमान वाला वह बंदा है जिहदा किरदार अच्छा है, तुहाडे विचों कामिल ईमान वाला वह बंदा है जिहदा अखलाक दुरुस्त है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम लोगों के अखलाक सवारन वास्ते आए ने, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम लोगों के अखलाक सही करन वास्ते आए ने, ते मेरे नबी ने किवें इन्हां दे अखलाक सही कीते ने। अल्लाह के नबी ने इन्हां नूं रब दा कुरान सुनाया है, अल्लाह के नबी ने इन्हां नूं अपनियां हदीसां सुनाईयां ने, और इन्हां दी सलाह कीती है। आओ मैं सुनावां वो हदीसां जिहड़ियां मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सुना के इन्हां दे अखलाक बनाए ने, इन्हां दे अखलाक सवारे ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम जे तो मदीनातुल मुनव्वरा दे अंदर तशरीफ ले आए, ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने सहाबा नूं वाज कर रहे ने। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला नूं फरमांदे ने, मैं नबी अलैहिस्सलाम दी मजलिस दे अंदर गया, सुनन वास्ते गया, मैं वेखां के नबी पाक की तालीम देंदे ने, ये जेड़ा अपने आप नूं नबी कह रहा है ये लोगों नूं की सिखा रहा है। जदों मैं नबी अलैहिस्सलाम दी मजलिस दे अंदर गया, हाले मुसलमान नहीं होए, हाले यहूदी ने, यहूदियां ते आलम ने, फरमांदे ने मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम दी मजलिस दे अंदर गया ताकि मैं वेखां तालीमात की देंदे ने, क्योंकि बंदे दी पहचान होती तालीम तो होंदी है, बंदे दी पहचान होती तबलीग तो होंदी है, बंदे दी पहचान होती जबान तो निकलन वाले अल्फाज नाल होंदी है। मैं क्या मैं वेखां ते सही ये आंदे की ने, सुनांदे की ने, देंदे की ने, सिखांदे की ने। ते जदों मैं गया ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने साथियों नूं वाज पै करते ने, उन्हां दे अखलाक पै सवारते ने, ते की मेरे नबी वाज करते ने, आप फरमांदे ने अय्युहन नास अफशुस सलाम वदउ ताम वसिलुल अरहाम सल्लू बिललैल वन्नास नियाम तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम। अल्लाह दे पैगंबर फरमा रहे ने ए दुनिया जहान दे लोगो, अफशुस सलाम एक दूजे नूं जदों भी मिलो ते सलाम आखिया करो, की आखिया करो, गज के सारे बोलो की आखिया करो। अगर तुसी मस्जिद जाओ एक दूजे नूं मिलो ते सलाम आखिया करो, रस्तियां दे अंदर मिलो एक दूजे नूं सलाम आखिया करो, घर दे अंदर जाओ ते घर वालियां नूं सलाम आखिया करो, बाजार दे अंदर मिलो ते बाजार वालियां नूं सलाम आखिया करो, खड़ा बैठे नूं सलाम आखे, जो जेड़े थोड़े ने चौके नूं सलाम आखन, छोटा बड़े नूं सलाम आखे, बड़ा छोटे नूं सलाम आखे, जिहदे नाल पहचान है उहनूं भी सलाम आखो, जिहनूं नहीं पहचान उन्हों भी सलाम आखो। मेरे पैगंबर फरमा रहे ने अफशुस सलाम, सलाम नूं आम कर दियो, सलाम नूं आम कर दियो, और जिदो सलाम आएगा वाहियातियां मुक जाएंगियां, जिदो सलाम आएगा फिर ओए ते होए बाजारां विच नहीं होएगा, जिदो सलाम आएगा फिर एक दूजे नूं मिलके ते जनाब गालां एक दूजे नूं कढ़न वाले नहीं होंगे। साडा ते अज रवाज है वे ना, दोस्त दोस्त नूं मिलदा है ते उहनूं आंदा फलाने आ टिंगने आ, वड्डी सारी गाल कढ के सुना भाई की हाल है, पहला गाल करदे फिर हाल पुछदे, ये नतीजा दे किताबो सुन्नत दी तालीमात तो दूरी दा नतीजा है। असां कुरान छड़ दित्ते, नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान छड़ दित्ते, जेड़े मकासद मेरे नबी
भी लेके आए सन और मकासद फरामोश कर दिते ने, भंगड़े पाने शुरू कर दिते ने, डांस करने शुरू कर दिते ने, नचना गाना शुरू कर दिते और नाता गा गा के नच नच के ढोल बजा बजा के पढ़निया शुरू कर दिया ने, पर जेड़े मकासद मेरे नबी लेके आए सन वो असा पसे पुछ डाल दिते ने। मेरे पैगंबर लोगों का तज़किया कर रहे ने, लोगों को अखलाक सिखा रहे ने। अफ़सोस सलाम नबी पाक दे सहाबा ने इहदे अमल पता किन्ना को कीता है। हदीस में आउंदा है दो सहाबी चले जा रहे ने, रस्ते दे अंदर दरख्त आ जांदा है, एक दरख्त दे इतलों गुजरदा है, एक इतलों गुजरदा है, अगे जाके फिर एक दूजे नूं आंदे ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। क्यों जी असीं आने ओए असीं आने आ, आज वादा करो हां वाला, आज तो बाद जिथे भी कोई मुसलमान मिले चाहे वो पहचान रख दे हो चाहे नहीं रख दे उनु सलाम आखांगे। आखोगे अब बाल बाल ही बोल देने, तुसी बड़े नहीं बोल दे, तुहाडा ख्याल है उन्हें ले हुण मैं सलाम आखां, ले मैं सलाम आखां, मैं सलाम आखां, दुनिया मेनू आके सलाम, मैं क्यों किसी नु सलाम आखा। अच्छा तुसी सारे बड़े बड़े चौधरी फन्ने खां पागबन अल्लामे मुफ्ती शियुगुल हदीस बड़े बड़े डॉक्टर प्रोफेसर लेक्चरर राने राजपूत सैयद और जनाब भट जट सारे मिल जाओ, मेरे नबी दे कदमा दी खाक दे बराबर भी हो सकते हो, हो सकते हो ते मेरे पैगंबर मदीने दियां गलियां च जिन्नू मिलदे पहला सलाम कहन विच पहल करदे। मेरे पैगंबर मदीने दे बच्चियां नू भी सलाम कहिंदे, मेरे पैगंबर अली सलाम जिदो मस्जिद च आउंदे, मैं हदीस दे अंदर पढ़िया है नबी अली सलाम तीन बार आके सलाम कहिंदे, किन्नी बार उच्ची बोलो किन्नी बार, किन्ना नू पढ़ते गरीब तलबा। एक बारी मेरे नबी करो निकलते आंदे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु, दूजी बार मेरे नबी इन दरमियान च पहुंच के आंदे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु, तीसरी बार मेरे नबी अपनी मसनत ते जदो आंदे फेर फरमांदे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। अजे मेरे नबी सलाम कह सकते ने तेनू मेनू की तकलीफ है। आ मेरे नबी दे मिशन नू लेके अगे चल, सलाम नू आम कर दे। अज घर तुसा जाना है ते जाके घर वालियां नू की आखने वाला आखोगे, कई विचो हसते ने ले हुण बेगम नू भी जाके आखांगे अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। अच्छा मैनू एक गल दसो, तुसी चाहते हो कि तुहाडे बच्चे तुहानू सलाम आखन, जेड़ा जेड़ा चाहता है वाला हाथ खड़ा करे हैं कि साढ़े बच्चे सानू आगे की आखन, उन्होंने आदत किने पानी नहीं तुसा नहीं पानी, उन्हों अपने आप पैनी मां दे ढिड्डो ना सिख आने, और जो तू अपने बच्चों सलाम नहीं आखेगा तेरे बच्चे तेन कि सलाम आखे, जो तू घर अपनी बीवी नू जाके सलाम नहीं करेगा तू किवें उम्मीद रखना तेरी बीवी तेनू सलाम करेगी। ते असी मसीती आके पता की आने हैं आरफ रहमानी साहब नू, हाफ जी दुआ करिया जे मेरे घर खैर होवे, मौलाना मंजूर साहब नू मौलाना दुआ करे साढ़े घर बरकत होवे, ते मौलाना ते एक बारी आए ते दुआ करके टुर गए, ओ
अल्लाह दिया बंदिया अल्लाह ने तेनू ऐसी दुआ सिखाई है जिदो घर जाए तेरे घर वाले वास्ते ऑटोमैटिकली खैर बरकत की दुआ हो जाएगी। आखोगे ओ किवें घर जदों जाना की आखना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही ओक मेरे घर वाले तुहाडे ते सलामती भी होवे अल्लाह की रहमत भी होवे ते रब दियां बरकतां भी नाज़िल होईए दुआ के नहीं होई हुण दिहाड़ी च 10 बार तू 20 बार भी घर जाए किन्नी बार दुआ हो गई ना आप तो घर वाले वास्ते रहमत ते बरकत की दुआ नहीं करता मौलवियों को दुआवा करवांदा फिरना केड़ा तू मुखलस है किवें दा तू मुखलस है आप ते अपने बीवी बच्चे वास्ते दुआ नहीं करता रहमत ते बरकत दी लोगों नु आना दुआ करो मेरे पैगंबर तालीमात दे रहे ने अखलाक सिखा रहे ने अफशु सलाम और लोगो सलाम नु आम करे जे वत मुताम एक दूजे नु खाने खिलाया जे जे तो तुसी सलाम नु आम करोगे जे तो तुसी एक दूजे नु खाने खिलाओगे तुहाडे दरमियान मुहब्बत पैदा होएगी जे तो तुसी सलाम करोगे एक दूजे नु खाने खिलाओगे तुहाडे दरमियान उल्फत पैदा होएगी जे तो तुसी सलाम करोगे एक दूजे नु खाने खिलाओगे तुहाडे दरमियान मुहब्बत प्यार पैदा होएगा अखलाक सबर रहने मुआशरे की सलाह हो रही है मकसद लेके मेरे पैगंबर अली सलाम आए सन वायु सकीम शिरक तो पाक करने वास्ते आए सन कुफर तो पाक करने वास्ते आए सन फिसक तो पाक करने वास्ते आए सन फजूर तो पाक करने वास्ते आए सन ते मेरे पैगंबर अली सलाम ने फरमाया ना अवेख मेरे नबी किवें अखलाक नो पूरा कर रहे ने किवें लोगों नु अखलाक दी तालीम दे रहे ने आप फरमांदे ने शबाबुल मुस्लिम फसूक वाके तालहु कुफर और मुसलमान नु गाली ना दे आजे मुसलमान नु गाल कढ़ना फिसके मुसलमान नु गाल कढ़ना बोलो उची बोलो की ये फिसके मुसलमान नु गाल कढ़ना फिसके वकतालहु कुफर मुसलमान नु कतल करना कुफर है मेरे पैगंबर फरमा रहे ने मुसलमान नु गाल कढ़ना फिसके मुसलमान नु कतल करना कुफर है काफर भी जहन्नम में जाएगा फासिक भी जहन्नम में जाएगा इस वास्ते मुसलमान नु गाल नहीं कढ़नी मुसलमान नु कतल नहीं करना क्यों जी अखलाक बनते ने पे के नहीं बनते पे अखलाक सबर रहने के नहीं सबर रहे मेरा नबी फरमांदा है गाला नहीं कढ़निया मेरा पैगंबर फरमांदा है कतल नहीं करना मेरा नबी फरमांदा है किसी की इज्जत नहीं उछालनी मेरा पैगंबर फरमांदा है किसी नाल हसद नहीं करना मेरे पैगंबर फरमांदे ने किसी का भुगत नहीं रखना मेरे नबी फरमांदे ने किसी का कीना नहीं रखना मेरे पैगंबर फरमांदे ने किसी नाल बिला वजह नफरत नहीं करनी मेरे पैगंबर फरमांदे ने किसी नाल हसद नहीं करना ए मेरे पैगंबर अखलाक सिखा रहे ने तालीमात दे रहे ने मुआशरे नु सवारन दिया तालीमात इंसान नु बेहतरीन इंसान बनान दिया तालीमात मेरे पैगंबर दे रहे ने ए मकसद लेके मेरे पैगंबर दुनिया ते आए ने ओए असा किन्ना कु इस मकसद नु पूरा कीता है नाले असी झंडियां लाने आ मिलादुन नबी दियां नाले मुसलमानां नु गालां कढ़ने आ मैं वेखिया ऐस 12 रबीउल अव्वल नु वेखिया यकीन करो राज डक डक के रबीउल अव्वल मनान वाले चंदा वसूल करदे ने दियो जी चंदा असां झंडियां लानियां ने दियो चंदा बाजार सजाने दियो चंदा गलियां सजानियां ने ते जे कोई उहनां नु समझाण दी कोशिश करे अगो ना करे उहनु गालां कढ़दे ने नाले बाजार सजा रहे ने मिलादुन नबी दी खुशी दे अंदर नाले मेरे पैगंबर दी सुन्नत दी मुखालफत कर रहे ने नाले बाजार सजा रहे ने नाले लोगां नु गालां कढ़ रहे ने नाले बाजार सजा रहे ने नाले नमाज़ां तो दूर ने नाले बाजार सजा रहे ने नाले मेरे पैगंबर दे फरामीन दी मुखालफत कर रहे ने ओए मकसद मेरे पैगंबर नहीं सन लेके आए
मेरे नबी ते दुनिया दे आउंदा मकसद ऐसी अल्लाह दा कुरान आम हो जाए, मेरे नबी दा फरमान आम हो जाए, लोगों विचो झूठ खत्म हो जाए, लोगों विचो गाली गलौज खत्म हो जाए, लोगों विचो पगड़ियां उछालना खत्म हो जाए, लोगों विचो तोहमत लगाना खत्म हो जाए, लोगों विचो इल्जाम तराशियां करना खत्म हो जाए, लोगों विचो बुगस ते कीना खत्म हो जाए, लोगों विचो एक दूजे नाल नफरत करना खत्म हो जाए। और मेरा नबी ते एहो जिहा मुआशरा बनाने वास्ते आए सन, तू मेरे नबी दी मुहब्बत दे दावे भी करना है ते मेरे नबी दे मकासद दी मुखालफत भी करना है। कादी मुहब्बत दा दावा तो करना नबी अलैहि सलाम दा। आओ जे नबी पाक नाल मुहब्बत दा दावा ते मेरे नबी दे लियाए होए मकासद नु पूरा करो। और वो मकासद की ने आप फरमांदे ने कूनो इबाद अल्लाह इखवाना, ओ लोगो अल्लाह दे बंदे बन जाओ ते आपस विच भरा भरा बन जाओ। ला तहससु वला तहासदु वला तजससु वला तबागसु वला तदाबरु वकूनु इबादल्लाह इखवान। आवेख मेरे नबी अखलाक सवार रहने, आप फरमांदे ने ला तहससु एक दूजे दियां कन सुइयां ना लिया करो, वला तजससु एक दूजे दियां जसूसियां ना करया करो, वला तहासदु एक दूजे नाल हसद ना करया करो, वला तबागसु एक दूजे नाल बुगद ना रखया करो, वला तदाबरु एक दूजे नाल कता तलकियां ना करया करो, एक दूजे नाल नाराजगियां ना करया करो, एक दूजे नाल मरने जीने ना मुकाया करो। वकूनु इबादल्लाहि इखवाना, अल्लाह दे बंदे बन जाओ ते आपस विच परा परा बन जाओ। ए मकासद ने मेरे नबी लेके आए ने, इस मकसद वास्ते आए ने। आज असी ये मकसद पूरा कर रहे हैं। क्या असा हसद करना छड़ दिते? क्या असा जसूसियां करनिया छड़ दितिया? क्या असा गीबतां करनिया छड़ दितिया? क्या असा चुगलियां खानिया छड़ दितिया? क्या असा दुनिया की खातर कता तलकियां करनिया छड़ दितिया? क्या दुनिया की खातर मरना जीना मुकाना छड़ दिता? क्या असी मोमिन बन गया, परा परा बन गया, अल्लाह दे बंदे बन गया? केड़ा मकसद है नबी पाक दा जेड़ा असा पूरा किया? और सैयदना अनस फरमांदे ने रज़ी अल्लाह हो ताला अन्हो, मैनू नबी पाक ने फरमाया अनस जे तेनू मेरे नाल मुहब्बत है ना फिर एक काम करया कर। जी अल्लाह दे रसूल केड़ा? फरमाया राती सौन लगया अपने दिल नु हर किसे दे बुगज़ तो पाक करके सोया कर। तेरे दिल में किसी का बुगज़ नहीं होना चाहिए, किसी का कीना नहीं होना चाहिए। एक सहाबी जा रहे ने, नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते ने आ बंदा जन्नती है। एक दूजे सहाबी उठे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला पीछे पीछे टुर पे, उन्हें दरवाजा खोल के घर वड़न लगे ते पिछों आखन लगे जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कह लगे मेरा घर वाले ना थोड़ा जा मसला बन गया ते मैं को दो तीन दिन तुहाड़े कोल रहना चाहना। उन्हें कहा सो बिस्मिल्लाह आ जाओ। कर ले गए, जो घर मौजूद सी खाना खिलाया, रात पई बिस्तर दिता, ओ सो गए आराम करन लग पे। अगला दिन आया फिर आ गए, अगला दिन आया फिर आ गए। तीन कु दिन गुजरन तो बाद ना आखन लगे अच्छा जी मैं हुन चलना, मेरा मसला जेड़ा है सी जिस वास्ते मैं आया सो हल हो गया और मैं चल। कहन लगे तुसी आए कादे वास्ते सो? मैनू इंज लगदा जिवें तुसी किसी चीज की तलाश है जो पर तुहानू लभी नहीं। कहन लगे हाँ एक गल वेखन आया सा पर मैनू लभी गल कोई नहीं। कहन लगे कि आखन लगे तीन दिन पहला नबी पाक ने फरमाया सी जे जन्नती वेखना ते इहनू वेख लो, ते मैं ते तेरे पीछे आया सा वेखा के तू करना की है, केड़ी गल है तेरे अंदर के नबी पाक ने जन्नती आने की बशारत दी है ते मैं वेखिया
नमाज मैं भी पढ़ना तुम ही पढ़ना है, तहज्जुद मैं भी पढ़ना तुम ही पढ़ना है, कुरान मैं भी पढ़ना तुम ही पढ़ना है, मस्जिद मैं भी जाना तुम ही जाना, नबी पाक को मैं भी पहनना तू भी पहनना, कोई नवी गल मैं देखी कोई नहीं, इस वास्ते मेनू शह लभी कोई नहीं, तो मैं हम वापस टुर चले हाँ। कह लगा हाँ गल तो इंजी है, मैं करना तो सारा कुछ ओ ही जो तुम करते हो, पर एक गल है जिदा मैं यह तमाम करना और नजर नहीं आती। कह लगे फिर दस दौ कि गल है, कह लगे वह गल है राती सौन लग्या मैं अपने दिल नू हर किस्म दे बुगस दे कीने तो पाक करके सोना। हजरत अब्दुल्ला फरमान के बस यही हो गाली जी थी वजह तो रब दे नबी ने तेनों जन्नत दी बशारत दिती है। हजरत मेरे पैगंबर दे दुनिया दे आउण दा मकसद एक ए भी है, लोगों के अखलाक सवारे जाए, लोगों को रब का बंदा बनाया जाए, आपस में पाई पाई बनाया जाए, इन्हों कुरान की तालीम दी जाए, इन्हों हदीस सुनाई जाए, इन्होंने दिलों पाक किया जाए और इन्हों बेहतरीन इंसान बनाया जाए, तो रब का बेहतरीन बंदा बनाया जाए। अगर अज असी ये मकसद पूरे कर रहे हैं तो सानू नबी पाक नाल मुहब्बत है, सानू नबी पाक नाल प्यार है, तो जे नबी पाक नाल दावे मुहब्बत पते करने आ ते मर्जियां अपनियां करने आ, नबी पाक दे मकासद दे खिलाफ चलने आ, नबी पाक दी तालीमात दे खिलाफ चलने आ, फिर अपने दावे मोहब्बत ते गौर कर, एहो जी मोहब्बत रब कबूल नहीं हो करया करदा। अल्लाह मैनू तुहानू सही माने सच्चा मुसलमान और मोमिन और नबी पाक नाल सच्ची मोहब्बत करने वाला बनन दी तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। हजरत फरमा रहे ने वो शेर ने नबी पाक दे सहाबा दे मुतल्लक आंदे ने, वो सुना दियो जे आखो ते सुना दियां सुना दियां। माशाल्लाह मेरे पैगंबर अली सलाम दे सहाबा दी अजमत, मेरे नबी दे सहाबा दा शान और मुकाम। फरमांदे ने शकीरदी जिन्ना ने प्यारे दी कीती उमर सारी अंदर नजारे ते बीती। किन्ना शकीरदी कीती है मेरे नबी दे यारा मेरे नबी दे सहाबा। शकीरदी जिन्ना ने प्यारे दी कीती उमर सारी अंदर नजारे ते बीती, नजारे ते बीती इशारे ते बीती, नबी दे प्यारे दीवारे ते बीती, नबी दियां फौजां कितारां दे साथी, नबी दियां फौजां कितारां दे साथी, लैलां दे साथी नहारां दे साथी, सफर हजर ते गारां दे साथी, और सफर हजर ते गारां दे साथी, जिंदगी दे साथी मिजारां दे साथी, नबी दे सहाबा नूं जो मंदा सुना सी, और नबी दे सहाबा नूं जो मंदा सुना सी, खुदा दी कसम जहन्नम नूं जासी। अस्सलाम वालेकुम। शेख मल्ला दे बंदे आंदे पर शेख तुहाडा भी तो देखो ना टाइम माशाअल्लाह। अऊज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम। لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم.